हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 आयुष अग्रवाल से चैप्टर 7 डेसिमल, और इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग नंबर ऑफ डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, साथ ही साथ डेसिमल फ्रैक्शंस को जो है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में भी हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर से। इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ पार्ट लिया है, और हम इसमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे कि डेसिमल एक सीध में आ जाए, जैसे 3.3, देखिए 3.003। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 है, तो सब में हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाकर 3 प्लेसेस क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद अब कोशिश करेंगे असेंडिंग ऑर्डर लिखने की। असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहला कॉलम देखिए सबसे छोटा कौन है, 0, तो पहला नंबर ये वाला है 0.33। अब इसको हटा दीजिए, सभी कॉलम बराबर हैं बाकी के। यहाँ देखिए 3300, छोटा कौन हुआ, 0। इन दोनों पे नज़र रखेंगे, इनके अगले कॉलम देखिए, यहाँ 3 है यहाँ 0 है, तो पहले कौन सा आएगा, 0 वाला 3.003, उसके बाद 3.033, उसके बाद ये जो बचे हुए नंबर इनमें देखिए छोटा कौन है, ये वाला, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये छोटा, ये बड़ा, पहले आएगा 3.3 और फिर आएगा 3.303। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आगे देखे जा सकते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि डेसिमल एक सीध में आए और उसके बाद नंबर्स की डेसिमल डिजिट्स में जहाँ 0 कम है वहाँ 0 पूरे करके लाइक डेसिमल बना दी जाए, बस इसके बाद आपका आ जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर भी ऐसे ही करना है, बस केवल उसमें प्रोसेस ये आएगा, इसमें छोटा नंबर पहले देखा था, उसमें हम बड़ा नंबर पहले देखेंगे, ठीक है। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन अब आपको बताते हैं, ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का फोर्थ पार्ट, तो फिर से वही करते हैं 8.888, उसके बाद 8.008, यहाँ डेसिमल खाली है, यहाँ 2 प्लेस खाली है, यहाँ 1 प्लेस खाली है, इसको पूरा कर दीजिए, और उसके बाद अब देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर अब देखना है हमें सबसे बड़ा कौन है, तो हमें लगा डेसिमल से पहले सबसे बड़ा नंबर 88 है, वो भी 2 जगह है, हमें नज़र रखनी है इन दोनों नंबरों पे। इनका अगला कॉलम देखिए, यहाँ 0 यहाँ 8, तो बड़ा कौन हुआ, 8 वाला, तो पहले किसको लिखेंगे, 8 वाले को, 88.8 हुआ, उसके बाद किसको लिखेंगे, 88.08 को। अब ये देखिए ये तीनों इक्वल हैं, इन तीनों में नज़र रखनी है, ये 8 आया, ये 0 आया और ये 0 आया, सबसे बड़ा कौन हुआ, 8 वाला 8.88, ये भी लिख गया। अब बचे ये दोनों 88 बराबर 00 बराबर, यहाँ 8 है यहाँ 0, तो पहले आएगा ये वाला 8.088, उसके बाद लास्ट में आएगा ये वाला 8.008। इस तरह से स्टेप बाई हम इनका डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे 7B का, जिसमें हमें फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद
फ्रैक्शन हमारे पास डेसिमल नंबर है 0.224। इसमें हम क्या करेंगे, 0.224 लिखेंगे सबसे पहले और नीचे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो बढ़ा दीजिए और डेसिमल हटा दीजिए। फिर इसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। 4, 5 जो 20 और 2, 4, 6 जो 20, यहाँ आएगा 250। अब ये 2 से और कट जाएगा, 28 आएगा, यहाँ 120। इसके आगे अब नहीं कटेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 15 करेंगे। ये क्वेश्चन 8 था, 15 में हमें नंबर है 2.052 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले इनको अलग अलग कर लिए, 2 अलग कर लिए, 0.052 अलग कर लिए। फिर इसके नीचे 1 बढ़ा दीजिए, इसका डेसिमल हटा दीजिए, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1, 2, 3। फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ऊपर को भी और नीचे भी 4 से कट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 30 ऊपर आएगा, 200 और 4 से बांटेंगे, 250 नीचे आएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लीजिए, 2 होल 13 अपॉन 250। तो इस तरह से हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ये करना है कि इसमें के और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उनको लगा कर देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। थैंक यू।